डेट टाइम फॉर्मूला में जैसे आपकी कोई डेट है, तो इसमें से डे एक्सट्रैक्ट करना, मंथ एक्सट्रैक्ट करना, ईयर एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है जी। तो डे के लिए डे का फॉर्मूला है, मंथ के लिए मंथ का फॉर्मूला है, हमने यूज किए थे ना, और ईयर के लिए ईयर का फॉर्मूला है। अब इसको वापस कंबाइन करना है तो डेट का फॉर्मूला है। इसमें पहली एंट्री होती है ईयर, मंथ एंड डे, ठीक है जी। वापस आ गए। ठीक है, अब इसमें प्लस माइनस करना है तो डेट में आप प्लस माइनस डायरेक्टली कर सकते हैं। यहां से अगर आपने प्लस कर दिया, डायरेक्टली प्लस माइनस हो जाता है, बिकॉज क्योंकि इस डेट की जो वैल्यू होती है, अगर मैं पेस्ट स्पेशल करके देखूं वैल्यूज करके, तो ये होती है। अगर मैं इसके अंदर प्लस 12 करूं 41640 में, तो 41652 हो जाता है, और जिसका रिजल्ट ये होता है। तो प्रोसेसर है जिसके अंदर जो ये डेट को कैलकुलेट करता रहता है। हम डे तो यहां से दे सकते हैं। अब मान लीजिए हमें मंथ जोड़ना है इसमें, ठीक है जी। डे की कैलकुलेशन ऐसे कर सकते हैं। अब एक महीना जोड़ना है इसके अंदर, तो एक महीना जोड़ने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो है ई डेट। ई डेट इसमें स्टार्ट डेट दे दे, स्टार्ट डेट ले लेगा, और मंथ कितने महीने जोड़ने हैं वो यहाँ डालना है। जैसे 3 महीने जोड़ने हैं तो 3 डाल दिया, ये आपकी एंट्री आ गई फिर से डेट फॉर्मेट में, तो ये आपका जुड़ के आ गया। अब बात आती है कि ईयर जोड़ना है, तो ईयर के लिए एक सिंपल सी चीज है, या तो मल्टीप्लाइड बाय 12 कर सकते हैं, जितने ईयर जोड़ना चाहते हैं उतने मल्टीप्लाइड बाय 12 करके लगा सकते हैं, और नहीं तो दूसरा तरीका यह है कि आपको इस फॉर्मेट में, जैसे यहाँ पे डेट आ रहा है ना, जो भी करना है इनके साथ ही जोड़ दीजिए। पहला वाला ईयर है हमारा, इसमें प्लस 1, ये प्लस 3, ठीक है जी। अब इसको ऐसे समझते हैं कि या तो हम इसमें मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, 12 से मल्टीप्लाई करके उतने ईयर ई डेट से उतने जोड़ देगा। अब मान लीजिए इसमें 2 दिन, 3 महीने और 4 साल जोड़ने हैं, तो क्या करेंगे हम, अपना वही डेट का फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे मान लीजिए डेट हमारी ये वाली है, तो इसमें से डेट हमने यहां से ले ली, अब ईयर में हम प्लस कर देंगे यहां से ईयर, कॉमा मंथ की बारी आ गई, मंथ ले लिया हमने, मंथ यहां से हमने ये चूज किया, और फिर प्लस यहां से मंथ ले लिया, डे ले लिया इसमें से, फिर प्लस यहां से डे ले लिया, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है जी। तो डेट की कैलकुलेशन आप इस तरह से कर सकते हैं, अपनी कोई भी डेट हो आप इस तरह से कैलकुलेट कर। संदीप, एक एक इशू मैं हर बार फाइंड करता हूँ जब भी मैं डेट के कमांड्स यूज करता हूँ। इट्स लाइक कभी कभी क्या होता है कि सिस्टम डिफॉल्ट डे को मंथ में कन्वर्ट कर देता है, और अगर मैं उसको जाके कस्टम फॉर्मेट में चेक भी करूँ तो वो वहां पे DDMM YYYY फॉर्मेट दिया रहता है। यस, ये ऐसा होता है कि क्योंकि आप जब भी एंट्री करते हैं, मान लीजिए आप 10 तारीख एंट्री करना चाह रहे हैं, यहाँ पहला महीना एंटर करना चाह रहे हैं, इस तरह से करते हैं आप डेट एंट्री। पर इसकी ये हुई भी ठीक सी है, पर जब आप इसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं तो उल्टा मिलता है, ठीक है जी। तो इसके लिए आपके पास एक तो ऑप्शन है कि आप इसको ठीक कर सकते हैं, एक्सेल के डिफॉल्ट फॉर्मेट में ऐसा कर सकते हैं आप। इसके लिए आपको कंप्यूटर सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, एक्सेल की कोई गलती नहीं है, कंप्यूटर सेटिंग्स ही उल्टी हुई पड़ी है, तो एक्सेल के क्या दोष। जैसा आप इसको सेट कर देंगे वैसा करेगा। आप कंट्रोल पैनल में चले जाइए, यहां से
रीजनल सेटिंग्स। रीजनल सेटिंग्स में कहाँ है, रीजनल रीजनल रीजन एंड लैंग्वेज, इसमें यहाँ पे मत चेंज कीजिए, यहाँ से कुछ नहीं होगा। इधर यहाँ होता है, एक मिनट, एडिशनल सेटिंग। हाँ, एडिशनल सेटिंग में यहाँ पे डेट है, जब आप यहाँ पे फॉर्मेट सही चूज कर देंगे तो वैसा चलेगा। DDMMYYY ये वाला चाह रहे हैं हम, ये हमेशा यही है। या फिर हम अपने हाथ से लिख सकते हैं जैसा भी चाह रहे हैं। इधर लॉन्ग डेट में भी डे पहले आए, अप्लाई कर दिया मैंने। अब सबसे पहले इसका इम्पैक्ट आप देखेंगे हमारे यहाँ पे, इधर टास्क बार में। संदीप, ये ऑलरेडी फॉर्मेट मेरे यहाँ पे सेट है सेम फॉर्मेट में, पर पता नहीं जब ये एक्चुअली कहीं अब कहीं देखिए, प्रॉब्लम आता है जब भी मैं ये ओपन करने दिखता हूँ। अब देखिए, ठीक है जी, सही एंट्री ली ना, हाँ 12-1 सही एंट्री ले रहा है। कंट्रोल शिफ्ट 3 करते हैं, सही एंट्री ले ओके। रहा। तो ये एक्सेल का दोष नहीं है, यहां से सेटिंग ही अच्छी है। पर अब मैं इसके ऊपर की चीज बताता हूँ, इसको पहले जैसा कराता हूँ। इसके कारण क्या होता है, कई यूजर हमारे सही एंट्री कर देते हैं, कई गड़बड़ कर देते हैं। मैं अपने कंट्रोल पैनल की सेटिंग्स को रिवर्स कर देता हूँ। रीजन एंड लैंग्वेज, एडिशनल ऑप्शन, डेट यहाँ से चेंज करेंगे तभी होगा आपका। DDYYY अब जब करेंगे तो आपका फिर से पहले जैसा हो गया। इसको करेंगे चेंज तो ये वापस आती। अब क्या होता है कि मान लीजिए मैं एंट्री वो कर रहा था, हो कुछ और गई। मान लीजिए मैं अपनी एंट्री वो जानते हुए इन दो एंट्री पे मैंने क्या किया, चलिए दोबारा से कर लेते हैं। और मैं 10 जनवरी डाल रहा हूँ पर एंट्री तो हुई है गलत, 12-4-14 यहाँ सब एंट्री होती जा रही है गड़बड़। सही जाएगी। हाँ, जब ये 12-13 डेट के क्रॉस करता है ना तब प्रॉब्लम हाँ, तब प्रॉब्लम आती है आते। इसकी। पर अब मैं बता रहा हूँ कि इस प्रॉब्लम को ठीक किया कैसे किया जाए। अब जो मैंने डाला था उससे गलत आया है, अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। आप डेटा में चले जाइए, टेक्स्ट टू कॉलम में आ जाइए, ठीक है। अब कहेंगे टेक्स्ट टू कॉलम का इससे क्या मतलब, नेक्स्ट जाइए, फिर से नेक्स्ट कर दीजिए। और यहाँ पे जो डेट का ऑप्शन है ना, MDY की जगह DMY सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है जी। क्या करना है आपने, सही है। MDY की जगह DMY कर देना है। चेंज हो गई। ओके। अब दूसरा क्या आ रहा है, ये तो उनके लिए जो थोड़े समझदार हैं, जो सही एंट्री करते हैं, पर उनके लिए जो एकदम ही गलत एंट्री करते हैं आपकी डेट्स की, डॉट वाले आपने बहुत देखे होंगे, काफी है ना। और कुछ क्या करेंगे, एंट्री ये करेंगे, इस तरह से एंट्री करेंगे। चलो ये तो सही ले रहा है पर कई बार गड़बड़ ले लेता है। ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपने आपने एज इट इज चूज करना है और वही ऑप्शन दोबारा से करना है, सेम वही ऑप्शन, MDY या DMY। हो गया सर, ठीक है जी। DMY सेट करके आप उसे दिखाते हैं कि जो है डेट, डे मेरा जो है वो पहले आना चाहिए, ठीक है जी। या अपने आप कन्वर्ट करके आपको डेट में दे देगा।
सबसे बढ़िया ऑप्शन है, ओके okay. ठीक है जी। तो कभी कभी आपका डेटा खराब हो रहा हो तो इस तरीके से आप इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है चलेगा। अब आपने ये जोड़ दिया, यहाँ पे जोड़ना घटाना कर दिया, डे डे में हमने दिन महीने और साल हम जोड़ना सीख गए। अब क्या करते हैं, आपने जैसे सरकारी फॉर्म भरे होंगे कभी, तो उसमें आया कि 1 जनवरी 2014 को आप कितने दिन के हुए, कितने महीने के हुए और कितने ईयर के हो गए। ठीक है जी, मान लीजिए एक डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 86, एक डेट ऑफ बर्थ है। अब उन्होंने कहा कि इस डेट को कितने दिन, कितने महीने, कितने ईयर के हो गए। तो यहाँ पे सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला है डेटेड इफ का। डेटेड इफ में कुछ पैरामीटर लगते हैं, वैसे नहीं दिखाएगा आपको। डेटेड इफ में हम पहले स्टार्ट डेट डालेंगे, फिर किस डेट तक चाहिए वो डालेंगे, देन टेक्स्ट के अंदर कुछ पैरामीटर पड़ते हैं। जैसे डे के लिए मैं डालूंगा, पहले मैं ईयर दिखाता हूँ आपको, डेट वाला समझ नहीं आया। डेटेड इफ में ये स्टार्ट डेट है, ये एंड डेट है, देन इसमें पैरामीटर डालूंगा वाई, सिर्फ वाई डालना है मैंने ईयर के लिए वाई, इसको जनरल फॉर्मेट में ले आता हूं, तो 27 साल हो गए। अब बात आती है महीने की, अगर मैं डेटेड इफ लगाता हूं और स्टार्ट डेट एंड डेट यहां से लिया, अब अगर मैं इसमें खाली एम देता हूं मंथ के लिए, तो ये सारे महीने दिखाता है, पर मुझे चाहिए कि साल खत्म होने के बाद कितने महीने हैं, तो इसके लिए वाई एम यूज होता है। ठीक है जी, वाई एम, ओके, 3 महीने। ठीक है जी, अब बात आई दिन की। अगर मैं यही डेटेड इफ में, इसमें भी वही चक्कर होता है, YMD. नहीं सर, इसमें अगर मैं खाली डी डालता हूं तो ये डे दिखाता है कितने दिन हो गए, पर इसके लिए आपको करना है मंथ खत्म होने के बाद, मतलब कंप्लीट मंथ खत्म होने के बाद, तो इसमें यूज होता है MD। ठीक है जी, ओके, और 15 दिन 3 महीने 27 साल। एक और तरह से यूज कर सकते हैं कि जैसे मंथ हमें नहीं चाहिए, कितने साल और कितने पूरे दिन हो गए, ठीक है, उस केस में मतलब ईयर के बाद कितने दिन हो गए पूरे, तो YD भी डाल सकते हैं, तो 27 साल 106 दिन। ठीक है जी, अब आपको फॉर्मूला के लिए एक रेफरेंस की मैं के लिए मैं एक आपको साइट दिखाता हूं, गूगल पे टाइप करेंगे टेक ऑन द नेट। ठीक है जी, ये आपकी साइट आपको फॉर्मूला को याद रखने में हमेशा आपकी मदद करेगा, टेक ऑन द नेट। इसके अंदर आप एक्सेल पे जाइए और यहां पे आपके पास नीचे एक्सेल फंक्शंस है, इसमें WS का मतलब है वर्कशीट फंक्शंस और VBA फंक्शंस भी है। तो हम दो तरह से, अल्फाबेटिक है और कैटेगरी वाइज है, तो हम कैटेगरी वाइज देखते हैं। तो टेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे मिल जाएंगे आपको सारे, और डेट फंक्शन जो हम पढ़ रहे हैं वो यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको डेटेड इफ मिल गया, क्लिक किया, इसमें आपका डेटेड इफ में क्या क्या पैरामीटर है और क्या क्या आर्ग्यूमेंट आने हैं उसके अंदर, जो टेक्स्ट में आपके वो आने हैं वो कैसे, वाई पे क्या आएगा, एम पे क्या आएगा, डी पे क्या आएगा, एम डी पे क्या आएगा, वाई एम पे क्या आएगा, वाई डी पे क्या आएगा। ठीक है जी, और नीचे एक एग्जांपल भी दिया होगा कि ये कैसे फंक्शन और क्या रिटर्न करेगा। ठीक है जी, ये आपका हर फंक्शन के लिए काम करेगा। ठीक है जी, इसमें सारे फंक्शंस के एग्जांपल्स है, विद एग्जांपल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके ओके, ठीक है जी, अब हमने डे टू डे जान लिया।
नेक्स्ट जो है हमारा नेटवर्क डे। नेटवर्क डे क्या करता है, ये बहुत बढ़िया फंक्शन है जो आपके वर्किंग डेज निकालता है किसी भी उसमें से। जैसे मैंने बोला कि 1 जनवरी 2014 से 25 जनवरी 2014 तक कितने वर्किंग डे हैं, तो हम निकालेंगे नेटवर्क डे, स्टार्ट डेट एंड डेट, तो ये टोटल आपको 18 वर्किंग डे दिखा रहा है। 18 वर्किंग डे का मतलब है कि बीच में जितने सैटरडे संडे होंगे वो नहीं दिखाएगा, ये सैटरडे संडे दोनों को हॉलीडे मानता है, ठीक है। अच्छा, अब हमें देखना है कि वापस कितना मतलब किसी ने कहा कि आपने 1 जनवरी को कोई फॉर्म जमा किया, अब उन्होंने कहा कि आप 25 दिन बाद आइए 25 वर्किंग डेज के बाद आइए, तो आपके पास है वर्क डे का फंक्शन। वर्क डे में स्टार्ट डेट डालिए और यहाँ कितने वर्किंग डे, ये आपको डेट रिटर्न कर देगा, ठीक है जी, सैटरडे संडे काट के। तो नेटवर्क डे है हमारे पास, ये जानने के लिए कि दो डेट के बीच में कितने वर्किंग डे आ रहे हैं, और वर्क डे है वर्किंग डे, हाँ, कि एक डेट के कितने वर्किंग डे, मतलब जैसे किसी ने डेट दी आपको कि इतने वर्किंग डे बाद आई है, तो वो डेट क्या होगी। यहाँ से इन दोनों के अंदर एक और ऑप्शन है जो कि ऑप्शनल है, वो है हॉलीडे का। जैसे आप जानते हैं कि बीच में जैसे 26 जनवरी या किसी एक तारीख को आपका जो हॉलीडे पड़ गया, तो आप वो हॉलीडे की लिस्ट ऐसे चूज कर सकते हैं, ठीक है जी, वो उसको भी माइनस कर देगा। सपोज यहाँ पे मेरा 10 जनवरी को कोई छुट्टी है, ठीक है जी, सही है, अपने आप पढ़ के आ गया, ठीक है, 25 जनवरी कोई छुट्टी है, कहाँ होगा इसके अंदर मैंने डाला, इसमें से 25 जनवरी वैसे ही सैटरडे या संडे होगा, इसलिए नहीं माइनस कर रहा, 24 का ले लेते हैं, ठीक है जी। वर्क नेटवर्क डे स्टार्ट डेट एंड डेट एंड हॉलीडेज, नेटवर्क डे इसमें क्या हुआ, स्टार्ट डेट एंड डेट एक जनवरी 14, 7 फरवरी 14, इसमें कुछ गड़बड़ दिखा रहा है, अच्छा हाँ वो कितने वर्किंग डे दिखा रहा है, वो 26 सही दिखा रहा था, ठीक है जी। तो इसमें बेसिकली एक दिन का डिफरेंस होता है प्लस माइनस करने में ना, कई बार उस दिन को काउंट कर देता है, कई बार उसको निकाल लेता है, तो दोनों में आपको एक का डिफरेंस जरूर दिखाएगा, कई में उस डेट को काउंट कर लेगा, कई में नहीं करेगा, ओके, ठीक है जी, तो इसमें एक का डिफरेंस दिखाएगा, ठीक है, ठीक है जी। ये हो गया हमारा नेटवर्क। अभी इंडिया में तो एक लाइक संडे हॉलीडे होता है खाली, हाँ, तो सर इसके लिए एक्सेल 2007 में कुछ सोचा नहीं गया था, हाँ जी, मैं ये कह रहा था सर, अब इंडिया में तो आपने सही कहा कि संडे हॉलीडे होता है, तो इसमें जो क्या हुआ है, एक्सेल 2007 में इस बारे में सोचा नहीं गया था, ठीक है जी, इसको अगर आप एक्सेल 2010 में देखें तो यही फंक्शन आपका बढ़ के आया है हमारे पास,
सपोज 1 जनवरी 14 25 जनवरी 14। अब यहाँ पे हम फंक्शन यूज करेंगे नेटवर्क डेज डॉट INTL, मतलब इंटरनेशनल। अब इसमें क्या होता है, आपके पास स्टार्ट डेट होती है, एंड डेट होती है, जो वीकेंड है आपके सामने ऑप्शन खुल जाते हैं। अगर आप एक चूज करेंगे तो सैटरडे संडे, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ये दो दो दिन वाले हो गए, और जैसे कि इंडिया में संडे ओनली 11, ठीक है जी, तो ये खाली संडे काउंट करके आपको देगा, ठीक है सर। सही है, यही चीज आपके वर्क डे में भी आई है, वर्क डे डॉट INTL इंटरनेशनल, स्टार्ट डेट, डेज, और वीकेंड यहां से चूज कर सकते हैं, 11 है संडे के लिए, ठीक है जी। तो इस तरह से आपका ये वर्क करता है। और देखते हैं दूसरा फंक्शन इसमें डेट टाइम में, और फंक्शंस की तरफ चलते हैं। अब आते हैं आपके टाइम वाले पार्ट पे। अब टाइम का जो होता है, जैसे मैं आज दो तीन फंक्शन हम यूज करते हैं, एक हम करते हैं टुडे डेट के लिए, एक होता है नाउ डेट एंड टाइम के लिए। ये फंक्शंस है हमारे, शॉर्टकट है कंट्रोल कॉलन, कॉलन पे डेट देता है, कंट्रोल शिफ्ट कॉलन पे टाइम देता है, ठीक है जी। अब एक सिंपल सी कैलकुलेशन दिखाता हूं कि जब हमारा जो है, इन दोनों को मैं कर देता हूं पेस्ट स्पेशल करके वैल्यूज में, तो ये जगह मेरी डेट थी और एक जगह डेट विद टाइम था। तो आप देख सकते हैं जो मेरी डेट विद टाइम है उसमें 0.84 करके कुछ वैल्यू डली हुई है। एक्सेल क्या करता है, डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज को टाइम कैलकुलेट करने में प्रोसेस करता है, और डेसिमल से पहले वाली वैल्यू को डेट कैलकुलेट करने में प्रोसेस करता है। अगर मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाऊं, मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो मेरे पास कुछ डेसिमल वैल्यूज बन जाएंगी, और इसको जब मैं टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूं तो यही टाइम आपका आ जाता है, ठीक है जी। तो अगर हमारे पास ये है, इसीलिए अगर हम टाइम में एक प्लस करना भी चाहे, कुछ भी करना चाहे, तो क्या होता है, ये डे में प्लस होता है ना कि टाइम में। तो आप टाइम फॉर्मेट जब भी देखेंगे वो सेम ही दिखेगा, बल्कि उसका डे चेंज हुआ रहेगा। तो इसलिए टाइम एक बार वापस रिपीट करिए ना सर, जो आप देख रहे हैं कि जो डेसिमल के बाद वाली जो आपने ये, हाँ वो वाली, वो कैसे आई, हाँ डेसिमल के जो बाद वाली वैल्यू है वो टाइम के लिए होती है, और जब अगर हम उसमें प्लस कर देंगे कोई चीज, मैंने माइनस किया है सर इसमें, टुडे में से इस डेट में से इसको माइनस कर दिया, मतलब नाउ में से टुडे को माइनस कर दिया, तो नाउ में क्या आता है डेट विद टाइम, और टुडे में क्या आती है डेट आती है, तो जो बचा हुआ वो हमारा टाइम की वैल्यू हो गई, क्योंकि डेसिमल के बाद की टाइम की वैल्यू होती है। अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेशन टाइम में करना चाहें एक दो ऐसे करके तो नहीं कर सकते, तो इसमें नहीं कर सकते क्योंकि डे ही आपका बढ़ेगा, आपका डे यहाँ पे बढ़ रहा है, पॉइंट के पहले चला गया तो डे बढ़ रहा है, ठीक है जी। ओके मेरा नंबर नोट करके नहीं हो सकता, इसको ऑन करना पड़ेगा जब पता पड़ेगा, और नहीं तो उसी कस्टमर आईडी को डलवा दे, नहीं तो मेरे नंबर पे डलवा दे 57,800,300 नंबर में। हाँ, तो
हेलो। हाँ जी, तो हाँ ये बोलिए। टाइम इस तरह से कैलकुलेशन करता है। अब चलते हैं, तो अब हम जान गए कि हम डायरेक्ट कैलकुलेशन टाइम में नहीं कर सकते। टाइम के लिए क्या क्या फॉर्मूले हैं हमारे पास? आपने कस्टम फॉर्मेटिंग में इसके बारे में पढ़ा होगा, टाइम के फॉर्मेट्स के बारे में। जैसे ये टाइम है, मेरे पास एक टाइम डला हुआ, तो टाइम में मैंने आवर निकालने होते हैं, मिनट निकालने होते हैं और सेकंड निकालने होते हैं। तो इसके लिए यही फॉर्मूला है। आर के लिए आर, मिनट के लिए मिनट का फॉर्मूला, और सेकंड्स के लिए सेकंड का फॉर्मूला। ठीक है जी, वापस इसको कंबाइन करना हो, यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें यहाँ पे 14 सेकंड है, तो यहाँ पे दिखा रहे हैं। दोबारा कंबाइन करने के लिए हमारे पास टाइम का फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले इतने मुश्किल नहीं है, बड़े आराम से समझे जा सकते हैं। सबसे पहले इसे चाहिए आर, देन मिनट, देन सेकेंड। अब हमें 1 घंटा 3 मिनट और 10 सेकेंड प्लस करना है। तो इसके लिए जैसा कि हमने डेट में किया था वैसा ही करेंगे। इसमें से आर डाल देता हूँ, यहाँ से आर निकाला और इसमें मैंने प्लस कर दिया ये, ठीक है जी, कॉमा, मिनट निकाला, मिनट में मैंने प्लस कर दिया ये, सेकंड निकाला, सेकंड में मैंने प्लस कर दिया। ये कैलकुलेटेड टाइम आया, वो ये हो गया। इसको कस्टम फॉर्मेट से मैं सेकंड ओके की दिखा ओके। देता हूँ। तो ये सेकंड का भी फॉर्मेट है, यहाँ पे ले लेते हैं। तो सेकंड का फॉर्मेट, सेकंड के फॉर्मेट में ये दिखा रहा है। ठीक है जी, अब बात आई टाइम इलैप्स की। अब ये तो बात हो गई कि हमारा, चलो एएम पीएम आप देख सकते हैं, यहाँ से एएम पीएम करके बता रहा है। पर बात होती है कि कोई बंदा एक बिल्डिंग में घुसा और 2 दिन बाद निकला, 3 दिन बाद निकला। तो जब हमें उसको 24 घंटे में देखना होता है, तो हम आपका डेट टाइम में से ये एएम पीएम का फॉर्मेट यूज नहीं करते, ये वाला फॉर्मेट यूज कर लेते हैं, डायरेक्ट HMMSS का ये फॉर्मेट। तो हमारा ये 24 घंटे के अंदर का है, पर जब 24 घंटे से पार हो, सपोज 21 हो रहे हैं, और मैंने इसमें 10 घंटे जोड़ दिए और जोड़ दिए, ये मुझे क्या दिखा रहा है? वापस 6 दिखा रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। 8 घंटे में जब मैं 10 घंटे जोड़ूंगा, 8 मतलब ये 20 में मैं जब 10 जोड़ूंगा तो 30 होगा। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मेट है वो टाइम में चले जाएंगे, और हमारे पास जो फॉर्मेट है ये 30:55 का या 37/30 का जो फॉर्मेट है, हम इसको यूज करेंगे। तो ये हमें पूरा टाइम इलैप्स के बारे में दिखाया, टाइम इलैप्स दिखाया। अब मैंने इसमें प्लस किया है 6 घंटे, घंटे 37/30, दिखाना तो चाहिए पूरा। अच्छा, हाँ, इसको ऐसे कर सकते हैं। अभी तो मैंने जोड़ के वापस टाइम निकाल लिया है इसका, तो करता हूँ मैं, कहीं कुछ गड़बड़ है। तो मैं इसको भी 35/30 के फॉर्मेट में दे देता हूँ।
20 आ गया। जब मैंने इसको नॉर्मल फॉर्मेट में दिया बारह घंटे क्यों दिखाया, माइनस तो नहीं है एम, ये डे में बदल के जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। इसके लिए बेसिकली टाइम स्टैम्प यूज होती है। मान लीजिए एक टाइम स्टैम्प ये हो गई, ठीक है जी, डेट विद टाइम। यहाँ पे एक और डेट स्टैम्प हो गई, डेट एंड टाइम, एक हो गई इन की, एक हो गई आउट की, ठीक है जी, इन आउट की। इस तरह से डेट फॉर्मेट हो गया आपका, जिसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक डे प्लस कर देता हूँ, दूसरे दिन निकला है सात, और यहाँ पे जो टाइम हो रहा था वो हो रहा था 10, ठीक है जी। मैं क्या कहूँगा, इसमें से आउट में से माइनस इसको करूँगा, और जो वैल्यू आई उसको मैं दिखा दूंगा टाइम के अंदर 37/30 के फॉर्मेट, 24 घंटे से पार का जो फॉर्मेट है वो आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है जी, यही यूज होगा। तो ये ऊपर वाले फॉर्मूला में क्यों नहीं चल रहा था, क्योंकि हम फॉर्मूला यूज कर रहे थे वो DAER का, इस वजह से। हाँ हो सकता है उसमें ऐसा ही कुछ, हालांकि इसका यूज इसी जगह पे किया जाता है जहाँ मैंने यूज किया। अब प्लस करके वो रिजल्ट तो सही दिखा रहा है, पर टाइम में जो वैल्यू रिटर्न करी होगी वो सिर्फ टाइम की करी होगी। हाँ जी, कैसे करी होगी, क्योंकि टाइम जो है वो टाइम का फॉर्मूला खुद 24 घंटे के उसमें चलता है, टाइम इलेप्स्ड के बारे में वो नहीं दिखाता हमें। तो वो क्या किया, उसने इसमें 10 घंटे जोड़े और वो अगले दिन में चला गया, और दिन को उठा के डेट फॉर्मूला के लिए छोड़ दिया, टाइम वहीं का वहीं रहा, ठीक है। इसलिए जो वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो इस तरह से दिखा रहा था। तो हम यहाँ पे टाइम इलेप्स को इस तरह से जान सकते हैं, टाइम का फॉर्मूला यहाँ से ऐसे वर्क करता है। आगे देखते हैं कुछ और कैलकुलेशंस, जैसे हमें अब कैलकुलेशन करनी है कि इन आउट करके कोई भी हमारे पास एम्प्लॉयज है, जो भी एम्प्लॉयज है हमारे पास काम कर रहे हैं, और एक दिन का हमारे पास इन आउट शेड्यूल है, इन आउट शेड्यूल, तो पहला बंदा जो आया हमारे वो सुबह सुबह 10:17 पे आया, या फिर 10 बजे आने का टाइम है, उनको आने का टाइम सेम कर लेते और जाने का टाइम थोड़ा सा चेंज कर लेते। जाने का टाइम किसी का कर देते हैं 7 बजे, सात बजे गए, कोई गया 8 बजे गए, कोई 8:30 पे गया, कोई रात को 11 बजे गया,
वही गया 7:30 पे। ऐसे कोई रैंडम चाहिए टाइम चूज करना। अब हमें क्या करना है, ओवर टाइम कैलकुलेट करना है, ओवर टाइम कैलकुलेट करना है इनका, कि अगर जो इनका अंदर रहने का टाइम है, अंदर रहने का टाइम हम कहाँ से निकालेंगे, और इसको हम टाइम फॉर्मेट से किसी भी एक फॉर्मेट में दिखा सकते हैं, जैसे किसी ने 9 घंटे काम किया किसी ने। अब क्या है कि जिसका 10 से ज्यादा, जिसका 8 घंटे से ज्यादा है, 8 घंटे से ज्यादा है, तो जितने घंटे उसने काम किया है फुल, उतना उसको ओवर टाइम 40 रुपए पर आवर के हिसाब से मिल जाएगा। ठीक है, ओवर टाइम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इफ अगर ये वैल्यू आर का फॉर्मूला लगाएंगे, इफ आर इज ग्रेटर देन 8, देन क्या करेंगे इसको, टोटल आवर को माइनस कर देंगे 8 में से, और मल्टीप्लाई कर देंगे 40 रुपीज, बाकी में 0 कर देंगे। ये हमारा टोटल घंटे है, यहाँ इसने 9 घंटे काम किया, यहाँ इसके अलग तो अलग अलग ओवर टाइम सबका बन गया। ठीक है जी, ठीक है। और तो हम लोग कर दिया ना, उनको पूरे घंटे का दे रहे हैं ना, घंटे का होता है। हाँ, वो टाइम फुल आर का होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम अपने डेट टाइम के फॉर्मूलों का यूज कर सकते हैं अपने हर जगह। एक मेरे ख्याल से एक और दिखाता हूँ आपको, और 2-4 फॉर्मूले होते हैं शायद, उनको दिखा देते हैं। हमारे पास एक वीक डे का फॉर्मूला होता है, जो आपका डे का जो है नंबर दिखाता है, जैसे मैं यहाँ पे टैक्स करके इसमें से ये नंबर है होगा इसका, वेडनेसडे सैटरडे के लिए 7 दिखाता है, संडे के लिए 1 दिखाता है। 1 संडे से स्टार्ट करता है, जैसा कि हमारे कैलेंडर में होता है, एक कैलेंडर से स्टार्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारा वीक डे का फंक्शन होता है। दूसरा होता है वीक नम का, ये आपका वीक का नंबर बताता है कौन सा वीक है, पहला वीक, दूसरा वीक, चौथा वीक, पांचवा वीक, सातवा वीक, आठवा वीक, इस तरह से चलता चला जाता है। ठीक है, हो गया।
बाकी एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे वीक का नंबर है इसमें क्या दिखा रहा है, इसमें ये साल के वीक के नंबर दिखाता चला जाता है, मंथ के नहीं दिखाता, मंथ में फिर आठ आ गया। और अगर हमें मंथ वाले चाहिए होंगे तो हम कैसे करेंगे, सेकंड सैटरडे पड़ता है जैसे, करके देखते हैं ट्राई। ना हमारे पास एक सीलिंग का फॉर्मूला होता है, नंबर सिग्निफिकेंस डिवाइडेड बाय 40, नंबर सिग्निफिकेंस डिवाइडेड बाय 7 अप्रैल, कुछ ज्यादा ही आगे जा रहा है, फ्लोर नंबर सिग्निफिकेंस अप्रैल। चलिए आप इसको सर्च कर लीजिएगा नेट पे, इसको सर्च कर लीजिएगा सेकंड सैटरडे के लिए जो है सीलिंग के थ्रू आपको ऑप्शन मिल जाएगा। मैं तो आपके सामने चलिए करके दिखाते हैं, सेकंड सैटरडे हो गया, फाइंड द सेकंड। कई सारे फॉर्मूले जो आपको थोड़े से ज्यादा लॉजिकल होंगे, कंफ्यूजिंग होंगे, वो आपको मोस्टली आपको नेट पर भी मिल जाते हैं। सेकंड सैटरडे के लिए डेट के अंदर इन्होंने क्या किया, फ्लोर कर दिया 14 से, अच्छा मैं उनका लगा रहा था। अभी देखिए, अभी ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल भी नहीं समझ आएगा ये हो क्या रहा है, फ्लोर जबकि मैथमेटिकल फंक्शन है। फ्लोर क्या करता है, एक सिंपल नंबर लेते हैं जबकि इसका फ्लोर से कोई लेना देना नहीं है, जैसे जब आपको कैपिंग करनी होती है तो आप इस फॉर्मूला को इसके उसको यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला मैंने कोई प्रोडक्ट है मेरे पास 7-7 के पैकेट बना लिए, ठीक है जी, अगर मैंने इसमें 7 दिया तो ये जब 7 पूरे हो जाएंगे तब देगा, और जब तक आगे चलता रहेगा जब नेक्स्ट 7 से वैल्यू नहीं आ जाती, मतलब अगर 13 है तब भी 7 काउंट करेगा, 14 होते फिर 14 काउंट करने लग जाएगा, इसी तरह आगे बढ़ते हुए ये 21 काउंट करेगा। ये हमारा 7-7 की कैपिंग हो गई, आगे 21 आ गया। इसमें अगर मैं डिवाइडेड बाय 7 कर देता हूं तो इसको हम इसके लिए यूज कर सकते हैं कि हमारे कितने हफ्ते पूरे हो गए हैं, अगर ये डेज हैं तो कितने हफ्ते पूरे हो गए हैं। यहाँ पे 0 चल रहा है मतलब एक भी नहीं हुआ, 7 पे पहला हफ्ता कंप्लीट, 14 पे दूसरा कंप्लीट, 21 पे तीसरा कंप्लीट, इस तरह से। दूसरा होता है सीलिंग का, सीलिंग का है ये पहले जैसे कौन सा हफ्ता चल रहा है, इसमें जो वैल्यू होगी ये आपको पहले ही दिखाएगा कि आप
7 की कैपिंग में चल रहे हैं, 14 की कैपिंग में चल रहे हैं, 21 की कैपिंग में चल रहे हैं, अगर मैं डिवाइड बाय 7 कर दूं तो इस हफ्ते में चल रहा है। अब ये इसका इससे क्या लेना देना है, ये जो आप नंबर देखते हैं, डेट जो होती है हमारी, एक नंबर ही तो होता है। तो हमें ये जानना पड़ेगा जब ये डेट थी, मान लीजिए इसे डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करें, तो पहला दिन जो था हमारा वो कौन सा था, टेक्स्ट के फॉर्मूला से दिखाता हूँ। तो पहला दिन था हमारा वो तो संडे, और अगर यहाँ पे 7 होता तो क्या होता, सैटरडे। इसलिए इसमें डेट का फॉर्मूला लगा के, हालांकि ये डेट का फॉर्मूला ना भी ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट डेट ले ले निकलता है। डेट का फॉर्मूला ओके, हाँ डेट के फॉर्मूला में इसने क्या किया, 14th डे ले लिया, कोई भी साल हो कोई भी ईयर हो 14th डे ले लिया, और उसकी 7 से कैपिंग कर दी है। 7 से कैपिंग करने का मतलब है जब वो शुरुआत से कैपिंग करता आएगा तो डिवाइड करके वही डेट दिखाएगा, 7 से 14 को डिवाइड करेंगे 2 आता है, वो उसी के बेस पे फ्लोर का फॉर्मूला वर्क करता है। पहले इसने डेट से नंबर दिए, अब ये 14 तारीख का इसने बना लिया, 14 की कोई भी डेट होगी 14 की होगी। 14 इसलिए लिया है क्योंकि इसमें तीसरा तो शुरू नहीं हो सकता, उसके अंदर ही अंदर रहेगा, फ्लोर का फॉर्मूला हमने जहां लाया 14 तक एक्सपेक्टेड है कि 14 तक दूसरा मई दूसरा सैटरडे आ ही जाएगा, इसी इसके बीच में ही होगा, 14 की डेट के बीच में ही होगा, जो भी होगा वो यहाँ से हमें रिटर्न कर देगा। अब यहाँ से 14 की डेट थी और 7 की कैपिंग जहां पूरी होगी ये वहां ले जाएगा उसको, समझे सर इसे। समझ में आया सर इसको, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। देखिए तो यहाँ इन इनके बीच में लगा के देखते हैं, यहाँ फ्लोर से हम काम कर रहे हैं ना, ये फॉर्मूला हम यहाँ लगा लेते हैं, इसको लगा लेते हैं, इसको ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं। ये हम ट्रैक करते जा रहे हैं। अब यहाँ पहली डेट में इसने 14 जनवरी क्यों दिखाया, जनरल पे कन्वर्ट कर दीजिए, अब समझ आ जाएगा। जनरल फॉर्मेट में मैंने कन्वर्ट कर दिया, जब नेक्स्ट मंथ में जाएगा तभी चेंज होगा। डेट मंथ से करके इसने यहाँ से तो ले ली डेट, अब ये 2 तारीख की, यहाँ पे 14 के अंदर एक्सपेक्टेड था और इसमें 14 को आ भी रहा था तो इसलिए इसने 14 रिटर्न कर दिया। अब ये क्या करता हूं, मैं थोड़ा सा और नीचे जाता हूँ और इस फॉर्मूला को और खींच के लाता हूँ। पहला 31 तक होता है, 31 के बाद 14 का मतलब है 31 में 14 जोड़ेंगे तो 46 के आसपास आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो 46 ले रहा होगा, ठीक है जी। 31 के बाद 14 का जो है उस मंथ में वो इसके हिसाब से 46 ले रहा होगा, पर 46 के अंदर जो शुरू से लेकर अब तक जो 7 से वैल्यू आएगी वो आएगा। अब देखिए यहाँ पे 46 आ रहा है, पर जो 7 से वैल्यू जा रही होगी वो वाली वैल्यू ले लेगा, 42 लेगा, क्यों,
कैपिंग साथ की है सर। नहीं, आप इस फंक्शन को नोट कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, नहीं तो कल फिर समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है जी। हेलो ठीक है। ओके।